Yes. Good morning. Good morning, all of you. Am I audible? Am I visible? Am I audible? Am I visible? Yes. Good morning. एक बार जरा ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए, एक बार जरा ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए। ऑडियो वीडियो ओके है क्या? राइट, ओके। प्राजक्ता कह रही है क्लियर। ओके 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 ओके, राइट, यस। सो फाइन, यस। वैष्णवी कह रही है एवरीथिंग ओके सर जी। ओके, अच्छी बात है। सो वैष्णवी, नंद कुमार, मच्छिंद, प्राजक्ता, शुभम, आशुतोष, प्रतीक्षा, शीतल, पवन, ऑल ऑफ यू वेलकम वेलकम वेलकम। आइए भाई, कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। अदर्स प्लीज ज्वाइन फास्ट। हाँ, सो अ वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कल रात को बहुत हैवी रेनफॉल हुआ, जबरदस्त बारिश हुई। जो लोग औरंगाबाद में हैं शायद उनको पता होगा, मतलब आधी रात को लिटरली, यानी मैं बिजली की कड़कड़ाहट से डर के उठ गया। मुझे लगा क्या हो गया अचानक, पता नहीं कोई दीवार गिर गई या क्या हो गया। एंड देन आई सॉ लाइक इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एनीवेज, तो पहली बार बहुत साल के बाद ऐसा हो रहा है कि अक्टूबर शुरू हो गया है और बारिश खत्म ही नहीं हो रही है। ओके, सो एनीवेज, महात्मा गांधी जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यानी मैं आज आपका नेशनल हॉलीडे अच्छा हो, शुभ हो। वैसे तो आपका पिछले 500 दिन से हॉलीडे ही हॉलीडे चल रहा है, तो आप लोगों को क्या हॉलीडे और क्या वर्किंग डे, सब एक समान है। तो लेकिन अच्छी चीज़ ये होगी कि आज आप फिर से अपने काम पे पूरा पूरा ध्यान दें, बिकॉज़ हमारे पास वक्त कम है और एग्ज़ाम्स बहुत हैं। दूसरी एक और बहुत ज़रूरी चीज़, IDBI का एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आ चुका है कल ही। तो जिन लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एंड आज मैं एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, उससे रिलेटेड कोई एक लाइव लेक्चर भी आपका होगा और साथ में आप लोगों की एक बैच भी इंटरव्यू की हो सकती है। इंटरव्यू समझने सीखने का इससे अच्छा दूसरा मौका मिलेगा नहीं। ओके, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मॉक इंटरव्यूज, बहुत सारे स्टूडेंट एज अ डेमो देखने के लिए आते हैं, क्योंकि एक अच्छा अनुभव रहता है, समझ में आता है कैसे होता है, क्या होता है नॉल। तो ये एक अच्छा चांस है, तो आप भी कोशिश करिए कि इंटरव्यू बैच ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी अगर कुछ नॉमिनल फीस रहती है तो वो बहुत ज़्यादा तो कुछ भी नहीं रहेगी, लेकिन अगर इस तरीके से भी सीखना पड़ा तब भी इट इज़ रियली गुड, इट इज़ रियली गुड। इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आर नाइस फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज है हमारे पास तीन टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको। आज पहला टॉपिक है, देखिए, टाइम टू पुट लेंस ऑन अट्रोसिटीज बाय बैबस। ओके, पुलिस, CJI रमन्ना। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीफ जस्टिस है रमन्ना साहब, उन्होंने ये बोला है कि अब जरा चश्मे से देखना पड़ेगा कि ये जो अलग अलग प्रकार का एक प्रकार से पुलिस वाले मिनिस्टर्स, ओके, या फिर कोई एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान जो कि काफी रेस्पेक्टेबल हो, लाइक बैबस जिसको बोलते हैं, ये लोग जितने अट्रोसिटीज करते हैं, अट्रोसिटीज यानी हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जितना मारना पीटना ये वाली जो चीजें करते हैं, उन सबको रोकने का टाइम आ चुका है। ओके, बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट गुड, ये तो अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो गया। तो रमन्ना साहब बड़े नाराज हैं इस चीज के ऊपर। वैसे एक चीज अच्छी है, पता है, रमन्ना साहब है ना, फंडामेंटल बातों पे खूब ज्यादा जोर देने लगे हैं। अब मैं तो मतलब वो इंसान रहा हूं जो कई बार रमन्ना साहब के ऊपर बात कर चुका है। एक तो रमन्ना साहब ने अभी अभी पहले ही एक बार बोल दिया था कि जो कानून है वो पूरा ब्रिटिशों को फॉलो करता है, वो वाला कानून है, तो उसको बदलो।
बहुत बड़ी बात थी ये। फिर अभी क्या हो गया था, रमन्ना साहब ने किसी को बेल वगैरह दी थी और जेलर ने 3 दिन तक छोड़ा ही नहीं था उस व्यक्ति को, तो उस बात पे भी वो बहुत नाराज हो गए थे। और अभी देखो ये एक और फंडामेंटल बात उन्होंने की है, अच्छी चीज है जनता के हित में बात करते हैं वो, काफी अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जज मिले हैं एक तरीके से देखे तो। दूसरा आर्टिकल है देखिए, जापान्स प्रिंसेस इज सेट टू वेड बट इट्स नो फेरी टेल। अभी जापान की जो प्रिंसेस है उसकी शादी हो रही है। वैसे आपको मैं बता दूं, जापान एक ऐसा देश है जहां पर राजा होता है, प्राइम मिनिस्टर तो होता ही है, जापान का प्राइम मिनिस्टर कल ही हमने देखा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके यहाँ राजा भी होता है और राजा का शासन चलता है, उसके अपने पावर्स होते हैं। तो राजा मतलब जापान की जो प्रिंसेस है उसकी शादी होने जा रही है अगले वेडनसडे को। ओके जाके आओ आप लोग, मुझे भी नहीं होता आया है। इट्स नो फेरी टेल, लेकिन अब वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे राजा रानियों की शादी होती है ना, उस टाइप का कोई सीन नहीं है। तो उस टाइप का कोई सीन नहीं है का क्या मतलब है, अरे बेचारी रानी के ऊपर भयानक उधार हो चुका है भैया, वो रानी पूरी डेट में डूबी हुई है, बहुत कर्जा करके रख लिया है रानी ने। अरे बड़ा शानदार आर्टिकल है, मजा आएगा आपको। तीसरा है देखिए, सुप्रीम कोर्ट डीएनए टेस्ट नॉट मस्ट टू एस्टैब्लिश इनहेरिटेंस राइट। ओके, मैं अपने खानदान का चिराग हूं तो कल को उनकी प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार है तो मुझे वो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी को अगर मैं लेना चाहता हूं तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं उस खानदान का चिराग हूं, तो उसके लिए मेरा डीएनए टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोई डीएनए टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है कि आप इनहेरिटेंस है, आप को पार्सनर्स में कंसिडर होते हैं ना यार डायरेक्टली, इससे तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे निर्णय लिए हैं, बहुत दिनों के बाद है ना सुप्रीम कोर्ट ऐसा एक्टिव और फंडामेंटल बातों पे एकदम से दखल अंदाजी देता हुआ नजर आ रहा है, मजा आ रहा है। मतलब आजकल पॉलिटिक्स और जुडिशियरी से जुड़ी हुई चीजें पढ़ के मजा आ रहा है। ठीक है, मचिंद्र कह रहे हैं कंपेयर टू अदर एक्स सीजेआई, सीजेआई रमना बहुत ही एक्टिव देख रहे हैं भाई। अब देखो मेरा काम तो ये है कि मैं न्यूज आपके लिए लेकर आता हूं, अब ये एडिटोरियल के माध्यम से लाऊं चाहे जीके के माध्यम से लाऊं, तो ये जो रमन्ना साहब है मुझे अनबायस्ड लग रहे हैं। ओके, अगर मैं अपने विचार से बोलूं तो ये मुझे अनबायस्ड लगते हैं थोड़े से, क्योंकि फंडामेंटल बातें करते हैं, पब्लिक के हित में बातें करते हैं। ओके, तो अभी तो 2-3 दिनों से तो मतलब सॉरी पिछले 1 महीने से तो अच्छा हल्ला मचा रखा है इन्होंने, मतलब मजा आ रहा है, जुडिशियरी बड़ी वाइब्रेंट लग रही है इनके आने से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये तीनों आर्टिकल, लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उनसे जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी चीज आज हम थॉट के रूप में लाए हैं। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, लिव एज यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। मतलब जियो ऐसे कि तुमको जैसे कल ही मरना है, तो ये तुम्हारा आखिरी दिन है, फुल ऑफ लाइफ पूरा जी लो, जो समझ में आता है करो। लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर, और सीखो ऐसे कि तुमको जिंदगी भर जीना हो, आई मीन तुमको हमेशा के लिए जीना हो। ओके, ब्रह्मास्त्र की बैच हो जाने के बाद मुझे इतने फीडबैक्स आए, मतलब मैंने अपने जीवन काल में किसी बैच में इतने फीडबैक कभी नहीं मिले मुझे जितने ब्रह्मास्त्र 1.0 में मिले। तो मतलब एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग हुई और ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव रहे लोगों के, कंप्लेंट्स भी रही, अनुभव भी रहे, लेकिन एक बात तय है कि बहुत सी फंडामेंटल बातें लोग समझने में इंटरेस्टेड रहे और उससे जुड़ी हुई चीजें सीख कर उनको अच्छा लगा। तो एक अनुभव ऐसा रहा कि जो लर्निंग्स है वो हमेशा काम आएंगी, लर्निंग वैसी ही होनी चाहिए, इस बात को आप हमेशा याद रखना। लर्निंग ऐसी कभी नहीं होनी चाहिए कि आज सीखा कल भूल गए या बस एक दिन की ही चीज थी, लर्निंग कायम रहनी चाहिए, वो हमेशा काम आनी चाहिए। आज हमने साथ साथ इतने सारे लेक्चर्स किए पिछले 2 सवा 2 महीने से, मैं लगातार एडिटोरियल लेता आ रहा हूं, लेकिन हर चीज का अपना एक अंत है। उसी के साथ साथ एक लर्निंग आपकी ये होनी चाहिए कि कल को सर रहे ना रहे, सर पढ़ाए ना पढ़ाए, आप कंटिन्यूअसली आर्टिकल समझ पाए, पढ़ पाए, आपकी रीडिंग अच्छी हो पाए, आपकी वोकैबलरी मजबूत हो पाए, आपके इडियम फ्रेजेस अच्छे हो पाए, ग्रामर अच्छा हो पाए,
दैट इज वॉट लर्निंग इज ऑल अबाउट। एक लर्निंग कभी भी किसी भी इंसान को अपाहिज नहीं बना सकती, वो हमेशा उसको मजबूत बनाती है। और प्रॉपर जेन्युइन लर्निंग वही होती है जो सीख लेने के बाद बिना टीचर के भी आगे बढ़ाई जा सके। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द लर्निंग। ओके, ऑब्वियसली मैं भी लकी रहा कि मुझे कुछ अच्छे टीचर्स मिले। ओके, और मैं कोशिश करता हूँ कि वैसा ही सबको रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए, राइट? तो महात्मा गांधी का ये खूबसूरत थॉट हमारे दिमाग में केमिकल लोचा करता रहेगा, राइट? देश पांडे पराग कह रहे हैं, प्रणाम सर, या नाश्ता करायला? लेक्चर हो जाने दीजिए, उसके बाद आते हैं सर, जरूर आते हैं। चलिए तो पहला आर्टिकल शुरू करें दोस्तों, टाइम टू पुट लेंस ऑन अट्रोसिटीज बाय बैबस पोलिस CJI रमन्ना। अब जो हिंसा हो रही है, अट्रोसिटीज का मतलब हिंसा, उसको लेंस की नजर से देखना पड़ेगा, घूर के देखना पड़ेगा। कुछ पढ़े लिखे लोग बैबस, जो कि समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो, और पुलिस द्वारा की जाने वाली हिंसा, ठीक है? अपराधियों की हिंसा तो अलग है, लेकिन इन लोगों की हिंसा के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, CJI रमन्ना साहब का कहना है। जुडिशियरी का एक प्यारा थॉट है और इसके पीछे उस इंसान के बहुत अच्छे विचार हैं, राइट? तो ये आर्टिकल बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमें हर बार की तरह कुछ वोकैबलरी के शब्द समझने होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वोकैबलरी के वर्ड्स आज पिटारे में हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड फॉर द डे इज मल्स। ओके, पहला शब्द है आज का मल्स, इसको मूल्स नहीं कहना है, मल्स। मल्स का मतलब होता है चिंता करना, ओके, या चिंतन करना, सॉरी, चिंता नहीं, चिंतन करना, खूब सोचना गहराई में। सुप्रीम कोर्ट मल्स, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट खूब सोच रही है, राइट? तो ये बेसिकली एक वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है? थिंक अबाउट अ फैक्ट, प्रपोजल और रिक्वेस्ट डीपली एंड एट लेंथ, पॉन्डर। ओके, सुप्रीम कोर्ट बिना सोचे समझे तो कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतन करके किसी चीज के ऊपर अपनी राय देती है, अपना निर्णय देती है, ओके। दूसरा है देखिए प्लेंट्स। ओके, प्लेंट्स का मतलब होता है एक्यूसेशन और चार्ज। किसी को एक्यूज करना, यानी किसी को अक्यूज, यानी उसके ऊपर चार्ज लगाना, तो प्लेंट का मतलब होता है कंप्लेंट करना, आरोप लगाना एक तरीके से, ठीक है? तो मैं यहां लिख देता हूं, आरोप लगाना, आरोप लगाना, ठीक है, प्लेंट्स, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। देन द थर्ड इज स्क्रूटिनाइज। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रूटिनाइज? स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है सूक्ष्म जांच परीक्षण, एकदम लेंस से देखना किसी चीज को, क्लोजली एग्जामिन करना। स्क्रूटिनाइज, एग्जामिन और इंस्पेक्ट क्लोजली और थरली। ओके, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटिनाइज, सूक्ष्म जांच पड़ताल, एकदम छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटिनाइज, थरली किसी चीज को चेक करना। जैसे हम कहेंगे कि यार एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था, मैंने आंसर्स लिखे, आई थिंक मुझे सफिशियंट मार्क्स नहीं मिले हैं, तो मैं ये पेपर रिवेल में डाल रहा हूँ। अब रिवेल में डाल दिया पेपर, तो उसके बाद अब ये पेपर स्क्रूटिनाइज होके निकलेगा, ठीक है? किसी का कोरोना टेस्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट बी श्योर कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव, राइट? देन द नेक्स्ट वर्ड इज एजिटेशन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एजिटेशन? एजिटेशन का मतलब होता है कि जब आप व्याकुल हो चुके हैं, जब आप एंजाइटी और नर्वसनेस से भरे हुए हैं, और जब आपके अंदर पर्टर्बेशन है। पर्टर्बेशन का मतलब होता है बीइंग डिस्टर्ब्ड, आप पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड एजिटेशन। एजिटेशन एक नाउन है, एन लगा हुआ है, तो स्टेट ऑफ एंजाइटी और नर्वस एक्साइटमेंट। ओके, एंजाइटी, पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन, ठीक है? तो एजिटेशन यानी एक प्रकार से व्याकुलता, एक प्रकार की चिंता, ठीक है? बात समझ में आ रही है, राइट? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, टॉपलिंग। टॉपलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय टॉपलिंग? टॉपलिंग का मतलब होता है ओवर बैलेंस और कॉस्ट टू ओवर बैलेंस एंड फॉल, टम्बल, ओवर टर्न। किसी चीज का टॉपलिंग में रहना, यानी
ओवर बैलेंस और कॉस्ट टू ओवर बैलेंस एंड फॉल। ओके, मतलब जरूरत से ज्यादा बैलेंस बनाना जिसके वजह से चीजें गिर जाए, टम्बल, ओवरटर्न कर जाए, पलट जाए, नीचे गिर जाए। ओके, दैट इज कॉल्ड टॉपलिंग। टॉपलिंग करके रखी हुई है, ठीक है? तो ये टॉपलिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्ब, बट बेसिकली कैन बी कंसिडर्ड एज नाउन ऑल्सो। कोजी अप, व्हाट डू मीन बाय कोजी अप? कोजी अप का मतलब होता है टू सीक टू बिकम इंटीमेट और इनग्रेशिएट वन सेल्फ, और एक तरीके से यानी किसी के साथ इंटीमेट होना, किसी के करीब आना। ओके, एक तरीके से उसको बोला जाता है कोजी अप। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल का मतलब होता है हर वक्त सेवा में लगे रहना, हर वक्त सेवा में लगे रहना। हर वक्त सेवा में लगे रहना। जैसे मैं एक सेंटेंस ये बना सकता हूं, शी इज ऑलवेज एट द बेक एंड कॉल ऑफ हर फादर आफ्टर हिज एक्सीडेंट। पिता के एक्सीडेंट के बाद वो हमेशा अपने पिता के सेवा में लगी रहती थी। बेक एंड कॉल यानी, अब बेक की स्पेलिंग ठीक से देख लो, हाँ, BECK है ये। ओके, ये BACK नहीं है। तो बेक एंड कॉल यानी हमेशा सेवा में लगे रहना। ओके, तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो बात पूरी समझ में आई, पूरे वो कैप के वर्ड क्लियर हो गए। पहला वर्ड है मल्स। मल्स का मतलब होता है चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, बहुत डीप में जाके सोचना कोई निर्णय लेने से पहले। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी को अक्यूज करार दे देना, एक प्रकार से किसी व्यक्ति की कंप्लेन कर देना, ठीक है? देन स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है सूक्ष्म परीक्षण, सूक्ष्म जांच, ठीक है? एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है एक प्रकार से डिस्टर्ब हो जाना, व्याकुलता बढ़ जाना, नर्वसनेस हो जाना, एक्साइटमेंट के वजह से नर्वसनेस होना, या कुछ होने वाला है इस बात को लेकर नर्वस होना, एजिटेट होना। टॉपलिंग, टॉपलिंग का मतलब होता है ओवर बैलेंस करना, जरूरत से ज्यादा चीजों को बैलेंस करना जिससे वो गिर सकती है, नष्ट हो सकती है, ऐसा, ठीक है? कोजी अप, किसी के करीब आना, फिजिकली किसी के करीब आना। ओके, एंड बेक एंड कॉल, हमेशा किसी ना किसी के सेवा में लगे रहना, हर वक्त किसी के सेवा में लगे रहना। वर्ड्स पूरे समझ में आ रहे हैं, अच्छे से क्लियर हो रहा है, राइट? आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर रही। ओके, तो चलिए, विथ योर ड्यू परमिशन लेट स्टार्ट विद द रीडिंग पार्ट। तो ये है मल्स कमिटी हेडेड बाय HCCJIs टू एग्जामिन सिटीजन्स प्लेंट्स। ओके, लोगों की कंप्लेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, हाई कोर्ट ने और सीजेज ने, ओके, चीफ जस्टिसेस ने एग्जामिन किया है। ओके, तो क्या एग्जामिन किया है, देखिए, पढ़िए जरा इसको। चलिए, पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा तो बताइएगा जल्दी।
यस हो गया क्या? चलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। महेश बावने कह रहे हैं डन, ओके। मच्छिंद्र भी कह रहे हैं डन, यस गुड। तो देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे स्टेप्ड अप हीट, ओके। स्टेप्ड अप हीट यानी इस बात से नाराज हो गया वो, ऑन पावर ड्रंक ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है सरकारी अफसर, ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना, चाहो तो लिख लो। ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है सरकारी अफसर, ठीक है। पावर ड्रंक यानी पावर के नशे में जो सरकारी अफसर लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत नाराज हो गया सुप्रीम कोर्ट, एंड पुलिस ऑफिसर्स उनके ऊपर भी, हु विलिंगली बिकम टूल्स इन द हैंड्स ऑफ रेजिम। जो जानबूझ के सत्ताधारी लोग यानी जो मंत्री लोग होते हैं उनके हाथ की कठपुतली बनना चाहते हैं। देखो क्या होता है, मतलब मैं ये चीज़ बहुत दावे से कह सकता हूँ। आज मतलब मेरे बैच के ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं और ऐसे मेरे बैचमेट्स भी हैं जो प्रशासनिक सेवा में बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, जो एक अच्छे लेवल पे कुछ बहुत ही बड़े ब्यूरोक्रेट बन गए हैं। जब भी उनसे मेरी बात होती है तो वो बताते हैं, मैं बोलता हूँ यार दुनिया मानती है कि तुम लोगों को रिश्वत लेनी पड़ती है और तुम लोगों को मंत्रियों के आगे पीछे घूमते रहना पड़ता है, कितना सच है? तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है। ये दो दो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जिसके पर्सनल एम्बिशन बहुत हाई है और उसको ज़िंदगी में पैसा ही कमाना है तो वो बिल्कुल मंत्री जी के पीछे लग जाएगा, तो उसको उसका फायदा होगा। लेकिन दूसरे ऐसे होते हैं जो ये सब करने के लिए आए ही नहीं है सेवा में, तो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता और उनके लिए मतलब ये सब रास्ते ये सब तरीके नहीं होते हैं, राइट? तो ये दो अलग-अलग बातें हैं। तो यहाँ पर वो वही बोल रहा है कि इन द हैंड्स ऑफ रेजिम, तो जो ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के सत्ताधारियों के हाथ चले जाते हैं क्योंकि उनको पर्सनल एम्बिशंस बहुत हैं, टू कैरी आउट इलीगल ऑर्डर्स फ्रॉम देयर पॉलिटिकल मास्टर्स, ओके। इलीगल ऑर्डर फ्रॉम देयर पॉलिटिकल मास्टर यानी उनके जो नेतागण हैं उनके द्वारा दिए गए इलीगल ऑर्डर को मानने के लिए, बाय सेइंग दैट इट इज मलिंग सेटिंग अप अ स्टैंडिंग कमिटी, ओके, इन ईच स्टेट हेडेड बाय द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टू स्क्रूटिनाइज सिटीजन्स कंप्लेंट अगेंस्ट देम, ओके। ये बोलने के बाद यानी सारे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने इस बात को बहुत अच्छे से स्क्रूटिनाइज किया, समझने की कोशिश की कि यार ये लोगों की कंप्लेंट जो आ रही है बड़े बड़े अधिकारियों को लेकर ये दरअसल क्या है और क्यों है। अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना सेड, आई हैव लॉट ऑफ रिजर्वेशंस अबाउट द वे इन दिस कंट्री ब्यूरोक्रैट्स पर्टिकुलरली द पुलिस ऑफिसर्स आर बिहेविंग। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं, रिजर्वेशंस का मतलब अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट है यानी जो ये पुलिस सॉरी ये जो अधिकारी लोग हैं इनका बिहेवियर, ओके, और स्पेशली पुलिस का बिहेवियर कैसा है। एट वन टाइम, एक समय ऐसा था, आई वॉज थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अ स्टैंडिंग कमिटी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स टू एग्जामिन द अट्रोसिटीज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ओके। एक समय ऐसा था कि जब मैं ये सोच रहा था कि मैं एक स्टैंडिंग कमिटी बना देता हूँ बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, टू एग्जामिन द अट्रोसिटीज, इस तरह से जो भी परेशानी होती है ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स द्वारा आम जनता को उसके ऊपर, एंड कंप्लेंट्स मेड अगेंस्ट देम, और इनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट होती है उसके ऊपर। बट आई डू नॉट वॉन्ट टू डू इट नाउ, द मैटर विल कम अगेन, लेकिन मैं ये अभी नहीं करना चाहता, ये मामला फिर से आने के बाद, ओके। दिस रिमार्क्स ऑफ सी जे आई के केम इन अ केस वेयर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन छत्तीसगढ़ गुरजिंदर पाल सिंह हैज सॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट फ्रॉम स्टेट पुलिस इन थ्री केसेस, ओके, इंक्लूडिंग सीडिशन एंड डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, ओके। ये सब तब हुआ जब अभी अभी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक केस देखा जहां पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ओके, यानी डीजी पुलिस के डीजी साहब, एडिशनल डीजी छत्तीसगढ़ में जिनका नाम है गुरजिंदर पाल सिंह, ओके, उन्होंने खुद सॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, उन्होंने खुद इस बात के लिए मतलब ये बोला कि मुझे कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है,
उनके ऊपर तीन तीन चार्जेस लगे हुए हैं, सिडिशन के, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के, यानी जरूरत से ज्यादा संपत्ति वगैरह रख लेने के। ही एलिज दैट ही वॉज कॉल्ड लेट नाइट बाय द सीएम भूपेश बघेल्स एट द भूपेश बघेल्स रेसिडेंस। उनको आधी रात को जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, ये भूपेश बघेल जो हैं एक ज़माने में मतलब यानी ये एमएलए हुआ करते थे और इनके बच्चे मेरे क्लास में थे। ओके आई एम नॉट लाइंग दिस, क्योंकि मैं रायपुर से ही हूँ ना, तो यानी मैं हम जिस स्कूल में पढ़ते थे एनसीईआरटी में, इनके बच्चे भी वहीं पर थे। राइट, अब फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी थी मैंने फेसबुक में, एक्सेप्ट नहीं की किसी ने ये बात और है। एंड प्रेशराइज एंड प्रेशर्ड टू इम्प्लीकेट फॉर्मर सीएम रमन सिंह इन द पीडीएस स्कैम। बाप रे, मतलब सीएम भूपेश बघेल ने अपने रेसिडेंस पे बुलाया, किसको बुलाया, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरजिंदर पाल सिंह को बुलाया और उनको ये बोला कि आप एक काम करो, आप जरा पुराने चीफ मिनिस्टर जो थे रमन सिंह उनके ऊपर ये पीडीएस स्कैम लगा दो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का, जन वितरण प्रणाली का एक स्कैम उनके ऊपर लगा दो, ये उनको बोला गया। ठीक है, जब गुरजिंदर पाल सिंह ने रिफ्यूज किया, व्हेन ही रिफ्यूज टू अबाइड द इलीगल ऑर्डर ही वाज इम्प्लीकेटेड इन द केस आफ्टर केस, सीनियर एडवोकेट फाली एस नरीमन एंड विकास सिंह, जब वो रिफ्यूज कर गए तो उन्हीं के ऊपर फिर बाकी लोगों ने बोला कि यार अगर ऐसा है तो तुम्हारे ऊपर हम केस ठोक देंगे। किस चीज़ का? यही, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, सीडिशन यानी देशद्रोह का चार्ज लग जाएगा आपके ऊपर, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट आय से ज़्यादा संपत्ति का चार्ज लग जाएगा आपके ऊपर, तो सोच लो आपको क्या करना है। अपियरिंग फ्रॉम द स्टेट सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी सेड डॉक्यूमेंट सीज्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड द सीनियर पुलिस ऑफिसर्स रेसिडेंस क्लियरली इंडिकेटेड दैट ही वॉज अटेम्प्टिंग टू स्प्रेड डिसहारमनी अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज एंड फ्यूल एजिटेशन इन द स्टेट फॉर टॉपलिंग द बघेल लेड गवर्नमेंट। ओके, कहने का मतलब ये हुआ हाँ कि अपियरिंग फॉर द स्टेट सीनियर ब्यूरोक्रैट मुकुल रोहतगी ने ये बोल दिया कि डॉक्यूमेंट सीज्ड फ्रॉम आउटसाइड सीनियर पुलिस ऑफिसर्स रेसिडेंस, ओके, क्लियरली इंडिकेट, एक दूसरे सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं उनके घर से बहुत सारे दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया, इंडिकेटेड दैट ही वॉज अटेम्प्टिंग टू स्प्रेड डिसहारमनी, और ये बोला गया कि ये डिसहारमनी यानी अशांति फैला रहे हैं अलग अलग कम्युनिटीज में, और इनके वजह से मतलब एजिटेशन यानी एक प्रकार की नाराजगी, आक्रोश, एक प्रकार की एंजाइटी बढ़ सकती है इन द स्टेट फॉर टॉपलिंग द बघेल लेड गवर्नमेंट, और बघेल की सरकार को गिराने के लिए ये सब किया जा रहा है, ऐसा उनका बोलना है। ओके, कैन यू बिलीव दिस नॉनसेंस? तो ये चीजें चल रही हैं। चलिए इसको पढ़ लीजिए, जरा छोटा सा ही पार्ट है। आशुतोष कह रहे हैं बताइए आपने ये कहानी। यस, एक्चुअली में दो बेटियां हैं, एक बेटा है, बेटे का नाम मेरे ख्याल है चैतन्य ऐसा कुछ नाम है। हम उनके घर क्रिकेट खेलने भी जाते थे दो तीन बार, लाइक व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। ओके, तब हम उनके घर, काफी बड़ा घर था, तो हम क्रिकेट खेलने जाते थे। खैर अभी तो सब अपने अपने फील्ड में होंगे। चलो पढ़ा क्या, छोटा सा तो पार्ट है यार, जल्दी पढ़ लो। ओके डन, चलेगा। देखिए, दिस इज क्लियर केस ऑफ रेबेलियन एंड सिडिशन। ओके, ये दोनों वर्ड अच्छे से याद रखना, ये पूछे जाते हैं।
रेबेलियन का मतलब होता है एक प्रकार का विद्रोह, सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ विद्रोह। जो व्यक्ति विद्रोह करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं रेबेल, रेबेल विद्रोही, बागी। और सीडिशन याला सीडिशन बनाया नहीं, हाँ सीडिशन, सीडिशन ये बहुत भयानक चार्जेस होते हैं। हाँ इसका मतलब होता है देशद्रोही, सीधे सीधे देशद्रोह का चार्ज लग जाता है। सीडिशन, जो व्यक्ति सीडिशन करता है उसको बोलते हैं सीडिशियस, सीडिशियस देशद्रोही, राइट। तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है ना सीधे सीधे, और प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा, फिर एक बार प्रूफ हो गया तो बहुत मुश्किल होती है कि अपने ऊपर के चार्जेस हटा लेना। ये इसी तरीके से तो डराते हैं ये मिनिस्टर्स लोग कि आप हमारा काम करिए नहीं तो आपको हम देशद्रोह के चार्जेस में, रेबेलियन के चार्जेस में हम फंसा लेंगे। गलत है ये सब कुछ। इन द सेम केस द बेंच ऑफ सीजेआई रमन्ना एंड जस्टिस सूर्यकांत एंड हीमा कोहली हैड अर्लियर रिमार्क्ड अबाउट द टेंडेंसी अमोंग सर्टेन पुलिस ऑफिसर्स टू कोजी अप टू रेजिम्स। सीजेआई रमन्ना के बेंच में मौजूद कुछ जस्टिस हैं जैसे कि सूर्यकांत और हीमा कोहली, उन्होंने इससे पहले भी रिमार्क्स दिए हैं कि क्यों कुछ पुलिस वाले नेताओं को गले लगा लेते हैं। नेताओं को गले लगाना यानी उनके बड़े करीब आ जाते हैं। व्हेन द रेजिम चेंज्ड फेस्ड म्यूजिक, ओके। हाँ और उसके बाद क्या होता है, मान लो कि कोई एक पुलिस वाला है वो किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के बहुत करीब है, अब सत्ता बदल गई, दूसरा मिनिस्टर आ गया, तो उस मिनिस्टर के साथ ट्यूनिंग बिठाने में तकलीफ होती है, ओके, क्योंकि पूरा ट्यूनिंग चेंज करनी पड़ती है। इट इज़ अ डिस्टर्बिंग फीचर अक्रॉस द कंट्री टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ पॉलिटिशियन इन पावर दे कमिट हाराकिरी, ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि नेताओं के अच्छी नज़र में रहने के लिए ये लोग बहुत से ऐसे काम करते हैं, चापलूसी वाले काम करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट दे एक्टिवली रजिस्टर केसेस अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एट द बैक एंड कॉल ऑफ दोज एट द हेल्म ऑफ पावर। बाप रे, शर्म की बात है यार, किस बात की शपथ लेते हैं। क्या लिखा है पता है, ये बोल रहा है कि मतलब कोई पुलिस वाला होगा, ठीक है, अब वो पुलिस वाला जैसे मान लो अभी तक वो रमन सिंह की सरकार के लिए बहुत ज्यादा दिल से काम करता था, रमन सिंह का चहीता था रमन सिंह के लिए, अब सत्ता बदल गई, रमन सिंह चले गए, भूपेश बघेल आ गए, तो अब ये पुलिस वाला भूपेश बघेल के आगे पीछे घूमेगा। अब भूपेश बघेल उसको बोलेगा कि एक काम कर, रमन सिंह की सारी फाइलें निकाल के ला और उसके खिलाफ जरा केस कर, ठीक है, तो ये इसी मिनिस्टर के खिलाफ गड़े मुर्दे उखाड़ कर केस करने में लग जाएगा। ऐसा समझ में आया? तो ये जो मंत्री लोग होते हैं किसी के सगे नहीं होते, सही बात है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये करो तो भी ठीक है। अब अगर ये पुलिस वाला बोलेगा नहीं मैं ये नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे? तो इसको लिटरली धमकी दी जाएगी कि तुझे हम देशद्रोही करार दे देंगे, तुझे हम एंटी नेशनल करार दे देंगे और तेरा पूरा करियर बर्बाद कर देंगे, तो वो कहाँ जाएगा बेचारा? इस तरह की चीजें हो रही है। आई मीन दिस इज रियली शेम ऑफ डेमोक्रेसी। दे फेस द म्यूजिक एट द हैंड ऑफ अदर पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे प्रीवियसली टारगेटेड पॉलिटिशियंस केम टू पावर। ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस जो पावर में थे उनको अगर आप टारगेट करोगे तो फिर कोई ना कोई तो बदला लेगा ही लेगा। इट हैज सेड एडिंग दिस इज अ क्लियर मिस यूज ऑफ द सिस्टम। द पुलिस ऑफिसर्स हैव टू अपॉर्शन ब्लेम अमोंग देमसेल्व्स फॉर दिस स्टोरी फॉर दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, ओके। कहने का मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर्स हैव टू अपोर्शन ब्लेम यानी उनको उस ब्लेम का आधा हिस्सा अपने ऊपर रखना पड़ता है क्योंकि ये सिस्टम ही पूरा ऐसा करप्ट हो चुका है, ये बोला जा रहा है। ऑन मंडे इन द केस रिलेटिंग टू द सेम पुलिस ऑफिसर द बेंच हैड सेड यू द पुलिस ऑफिसर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस नॉनसेंस, वी कैन नॉट ग्रांट प्रोटेक्शन टू यू इन एवरी केस। कोर्ट ने सीधे सीधे ये बोल दिया कि तुम पुलिस वाले
तुम ही जवाबदार हो इस तरह की कोई भी चीज होने के वजह से, क्योंकि तुम सही समय पे सही चीजें करते ही नहीं, मंत्रियों की चापलूसी करते रहोगे तो ये तो होगा ही। तो अब हम आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकते। किसको नहीं दे सकते? ये गुरजिंदर पाल सिंह को, क्योंकि उसके ऊपर मतलब चार्जेस हैं, तो हो सकता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए, इस बात के लिए उसने अपील डाली थी। तो ये है पूरा आर्टिकल, और बहुत कुछ आंखें खोल देने वाला आर्टिकल है ये। बहुत सारी सच्चाइयाँ बताने की कोशिश कर रहा है ये कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में काम होते हैं। दिस इज जस्ट नॉट गुड, दिस इज जस्ट नॉट गुड। ओके, चलिए दोस्तों सेकंड वाला आर्टिकल पढ़ते हैं। सेकंड वाला आर्टिकल बहुत ही सिंपल और अच्छा आर्टिकल है। जापान्स प्रिंसेस इज सेट टू वेड बट इट्स नो फेरी टेल। जापान की प्रिंसेस मतलब यानी ये वेडिंग के लिए तैयार है। यहाँ वेड का मतलब वेडनेसडे वाला वेड नहीं है, ये वेडिंग के लिए तैयार है, लेकिन इट्स नो फेरी टेल। ये लेकिन ये कोई जातक कथा नहीं है, जैसे रानी आएगी फिर घोड़े पे बैठ के राजा आएगा और फिर, उस टाइप का नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है। ये देख लीजिए, ऊपर आपको दिख रही होंगी प्रिंसेस और नीचे प्रिंस दिख रहे हैं। इन दोनों की शादी होने जा रही है, तो क्या सिचुएशन है जरा देखिए। ओके, हाँ पढ़िए। यार ये प्रिंस के जगह पर तो मैं ही दिख रहा हूँ इमेज में, नहीं बट मुझसे तो नहीं हो रही है प्रिंसेस की शादी। चलिए जल्दी पढ़िए, 8 बजे आप लोगों का एक और लेक्चर है, उसको भी कंप्लीट, उसको भी टाइम पे शुरू करना है। डन, पढ़ लिया। यस डन। ओके, देखिए क्या है सीन, जरा समझ लेते हैं। जैपनीज प्रिंसेस माको विल मैरी हर फियोन्सी अ फॉर्मर कॉलेज क्लासमेट ऑन अक्टूबर 26। 26 अक्टूबर को शादी है, इन्हीं के बैच का था वो। ओके, तो ये उस जमाने में बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे दोनों। अथॉरिटीज सेड ऑन फ्राइडे, इट्स अ लॉन्ग टाइम कमिंग। ओके, द कपल हु फर्स्ट मेट इन कॉलेज, ओके, जो पहले कॉलेज में मिल चुके हैं, हैव बीन एंगेज्ड सिंस 2017। कमाल है, 4 साल से ये लोग रिलेशन में है, हमको अभी पता चल रहा है, बताओ। बट गेटिंग टू द चैपल हैज मेंट रनिंग अ ब्रूजिंग गॉन्टलेट ऑफ मीडिया स्क्रूटिनी एंड सैवेज पब्लिक कमेंट्री। ओके, कहने का मतलब ये है, बट गेटिंग टू द चैपल यानी शादी करने के लिए हैज बीन रनिंग इन अ ब्रूजिंग गॉन्टलेट, ओके, ऑफ मीडिया मीडिया स्क्रूटिनी, यानी एक तरीके से मीडिया की जांच पड़ताल, और मीडिया वाले तो चीर फाड़ के एक एक बात पूछेंगे, अच्छा ये कौन है, ये कौन है, क्योंकि मीडिया को बड़ा अच्छा लगता है ना ये सब चीज़ें, तो वो तो जितना हो सके उतना डीप में, अच्छा ये कहाँ, कौन है, कब मिले थे आप, क्या है, सारी बातें पूछते चले जाएंगे। ओके, द 29-year-old नीस ऑफ एम्परर नारुहितो, ओके, नारुहितो की जो नीस है, ओके, भतीजी जो है,
उसका नाम है की कोमोरो, कोमुरो, उसकी शादी है, ठीक है, 29 ईयर्स की। ओरिजिनली प्लान्ड फॉर 2018, 2018 में प्लान की गई थी। वॉज पुश्ड बैक आफ्टर अ टेबलॉइड रिपोर्टेड क्लेम्स बाय अ फॉर्मर फियोन्सी ऑफ कोमुरोज मॉम, दे हैड फेल्ड टू रीपे अ डेट ऑफ अबाउट $36,000। लेकिन इस शादी को उस समय ही रोकना पड़ा क्योंकि ये जो है लड़की कोमुरो, उसकी मॉम ने, मतलब कुछ उधार था उनके ऊपर, डेट था जो कि उन्होंने भरा नहीं था, $36,000 का। कोमुरो सेड द अमाउंट वॉज प्रोवाइडेड एज ए गिफ्ट नॉट अ लोन एंड हिज लॉयर वोड दैट ही वुड पे इट बैक। कोमुरो ने बोला कि ये जो अमाउंट था ये तो मतलब हम लोगों को एज ए गिफ्ट दिया गया था तो हमने वो रख लिया, वो कोई मतलब लोन थोड़ा ना था कि हम वापस करेंगे, और मैंने अपने लॉयर को बोला है, तो वो लॉयर बोला कि हाँ हम वो वापस कर भी देंगे। बट द डैमेज वॉज डन। इन ऑगस्ट ऑफ 2018 कोमुरो डिपार्टेड टू अटेंड लॉ स्कूल इन द US। कोमुरो डिपार्टेड, डिपार्टेड मतलब वो गई, कहाँ गई, US गई टू अटेंड द लॉ स्कूल एंड डिडंट रिटर्न अंटिल मंडे। द इम्पीरियल हाउसहोल्ड एजेंसी विच रन्स द लाइव्स ऑफ द रॉयल फैमिली मेड द अनाउंसमेंट ऑफ द वेडिंग डेट। अब हुआ ये कि जब उसको उनको वापस आना चाहिए था तब वो आई नहीं, और फिर जो उनका शाही घराना है कहाँ पर, जापान में, वहाँ पर उस चीज़ का अनाउंसमेंट हो गया कि उनकी वेडिंग होने वाली है। दे ऑल्सो सेड द प्रिंसेस इज सफरिंग फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ड्यू टू प्रेशर ऑन द कपल। जो प्रिंसेस है उसको एक यानी एक अजीब प्रकार की बीमारी है, कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। अब ये हम जैसे लोगों को, आपको और मेरे जैसे लोगों को ये रोज होता है ना, बट इन लोगों को होता है तो ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी कहलाती है। हम जैसे लोगों को ये रोज हो जाता है और हम इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है, बट इनको होता है तो ये सुर्खियों में आ जाता है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स NHK रिपोर्टेड इकोइंग द सिचुएशन ऑफ द एम्प्रेस मसाको, हु फॉर ईयर्स हैज स्ट्रगल्ड विथ वॉट हैज बीन टर्म्ड एज द एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। आफ्टर द वेडिंग द कपल सेटल इन टू अ नॉर्मल लाइफ इन न्यूयॉर्क वेयर कोमोरो 29 वर्क्स इन लॉ ऑफिस। आफ्टर द वेडिंग, शादी के बाद जो है कपल जो है न्यूयॉर्क में जाके सेटल होने वाला है और ये किसी लॉ ऑफिस में काम करने वाली है। समझ में आया? राइट, तो ये नाम याद रखना, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैपनीज प्रिंसेस। क्या नाम था पूरा नाम? की कोमुरो, ठीक है। ठीक है, राइट। अब ये तीसरा वाला आर्टिकल है, DNA टेस्ट नॉट मस्ट टू इस्टेब्लिश इनहेरिटेंस राइट। ये एक एडिशनल आर्टिकल है जो मैं आपके लिए लाया था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। आज बिल्कुल प्रॉमिस करिए कि ये आर्टिकल आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है, 2 पेजेस का। इसमें ये बोला गया है, मैं आपको एक जिस्ट बता देता हूँ, एक हिमाचल प्रदेश का एक केस है, उस हिमाचल प्रदेश के केस का रेफरेंस लेकर कोर्ट ने ये बात साफ कर दी कि अरे भैया तुमको तुम्हारी संपत्ति के लिए DNA वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, ये गलत है, सरासर गलत है। भाई आप हैं, किसी के बेटे हैं, ये बात हम मानते हैं और ये बात डॉक्यूमेंट से साबित हो जाएगी, उसके लिए हम जबरदस्ती किसी का DNA कराएं ऐसी हमारी कोई इच्छा, हमारी कोई मंशा नहीं है। और उसमें एक पुराना इनहेरिटेंस का केस हुआ था जब लड़कियों को पैतृक संपत्ति में पूरा पूरा अधिकार दिया गया था, को पार्सनर वाला केस, ये पिछले साल मैंने करवाया था, तो ये KS पुट्टस्वामी का केस वाला रेफरेंस केस था जिससे ये चीजें साबित हुई थी, राइट। तो ये आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये एक आर्टिकल आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। अच्छा गाइस, एक और चीज आप लोगों को बतानी है, वो ये कि आई एम रियली ग्लैड कि कुछ बच्चों ने बहुत प्यारे सजेशंस दिए हैं एडिटोरियल को लेकर, तो मैं बहुत जल्दी एडिटोरियल में एक और बड़ा फंडामेंटल बदलाव करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको वो बहुत पसंद आएगा। जाते जाते आप सबको याद दिला दूं, बैंकिंग सक्सेस की दोनों मैगजीन अपने अपने लेवल पे फ्लोट हो रही है
और बस 2-3 दिन के अंदर अंदर आपकी अक्टूबर एडिशन आ जाएगी, जिसमें सितंबर का पूरा करंट अफेयर्स होगा। तो नई मैगजीन बस अब आ ही रही है, लेकिन करंट अफेयर्स की तो कंसोलिडेटेड तैयारी होती है, तो आपको पुराना भी पूरा पार्ट कंप्लीट करना है, राइट। तो ये था दोस्तों आज के लिए आपका पूरा का पूरा पार्ट। अगर आप AFO बैच और निंजा बैच के बारे में सोच रहे हैं, सो दिस इज द राइट टाइम टू प्लान दिस बैच, राइट। तो अपने विचार और आपके जो भी और डिफरेंट आइडियाज होंगे, मुझे इस नंबर पे जरूर भेजिएगा, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग वन मोर चेंज इन द एडिटोरियल पार्ट। जो प्रेजेंटेशन है उसमें नहीं, लेकिन कुछ फंडामेंटल चीज़ों में कुछ बदलाव स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, और वो बिल्कुल सही है। मतलब लाइक द सजेशंस दैट आई गॉट इन लास्ट 2 डेज आर रियली अप्रिशिएटिंग, सो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट वेरी सून। ओके, आपको भी लगता होगा तो आप लोग भी ज़रूर बताइए। कल 10:30 बजे आप लोगों का मेगा सेशन है, कल रविवार है, इसीलिए कल आप लोगों का कोई एडिटोरियल का सेशन अलग से नहीं होगा, लेकिन कल 10:30 बजे मेगा सेशन के लिए आप सबको आना है, राइट। आप लोगों के कोई भी डाउट्स क्वेरीज होंगे तो इस नंबर पे पोस्ट करिए, मुझसे बात करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, आप लोगों को उसका रिप्लाई मिलेगा। चलिए दोस्तों, सर आप एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं ना, कौन सा अनाउंसमेंट? अनाउंसमेंट मैंने किया ना मच्छिंद्र साहब, और कौन सा अनाउंसमेंट? हाँ चलेगा, ओके। एनीवेज तो मिलते हैं कल वंस अगेन मेगा सेशन के लिए, और मंडे से जो मैं बोल रहा हूँ कि एक फंडामेंटल बदलाव मुझे करना है, वो मैं करूँगा, ठीक है। उसका अनाउंसमेंट अगर मान लो तय हो जाता है तो वो मैं कर दूंगा। अच्छा मच्छिंद्र साहब आप बोल रहे हैं एक अनाउंसमेंट, वो मैं बोल रहा था IDBI की बैच का, ध्यान से सुन लो। IDBI की जो बैच है इंटरव्यू की, वो बैच अटेंड कर लेना, इंटरव्यू में बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। आज लाइव आऊँगा, समझाऊँगा उसके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलेगा, देन टेक केयर, हैव अ पीसफुल टाइम, बाय बाय।